Hey guys, what's up? Welcome back to another video on Gamer Update official YouTube channel. तो guys, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन वैक्स यूट्रैंग 3D गेम के इस वाला अपडेट मारे कार के शोरूम के अपडेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है guys, इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस वाला अपडेट में क्या कार के शोरूम के अंदर क्या कार्स को भी ऐड किया जा रहा है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाले हैं। और guys, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम का इस बार का अपडेट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा, इसकी फिक्स डेट आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या गाइस हमारे इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस वाला अपडेट में क्या न्यू इंडियन ट्रक को भी ऐड किया जा रहा है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाले हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या गाइस हमारे इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस वाला अपडेट में क्या न्यू लग्जरियस हाउस को भी ऐड किया जा रहा है, इसकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाले हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को न्यू हाउस की पिक्स भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और गाइस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस वाला अपडेट मारे मसंग जीटी कार का चीट कोड क्या है, और फरारी कार का चीट कोड क्या है, और सुप्रा कार का चीट कोड क्या है। और गाइस, इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के इस वाला अपडेट मारे सुपर स्प्लेंडर बाइक और न्यू स्कूटी का चीट कोड क्या है, इन सभी का चीट कोड भी आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाले हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के कुछ पुरानी बाइक्स के चीट कोड भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो गाइस, मैं अब आप लोगों को इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम में कुछ ओल्ड बाइक्स का चीट कोड आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस, फर्स्ट चीट कोड है ड्यूक बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को डायल पैड में डायल कर लेना है बैलेंस 15। तो गाइस, आप लोग जिसे बैलेंस 15 डायल करते हैं वैसे ड्यूक बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड है ट्रोन बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करना है। आप लोगों को डायल पैड में डायल करना है 6000। तो गाइस, आप लोग जिसे 6000 डायल करते हैं वैसे ट्रोन बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड है स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करना है। गाइस, आप लोगों को डायल पैड में डायल करना है 9000। तो गाइस, आप लोग जिसे 9000 डायल करते हैं वैसे स्प्लेंडर बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड हमारे कावासाकी निंजा के ZX ट्रेनर बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को डायल पैड में डायल कर लेना है 400। तो गाइस, आप लोग जिसे 400 डायल करते हैं वैसे हमारी कावासाकी निंजा के ZX ट्रेनर बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड हमारे पल्सर बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को डायल पैड में डायल कर लेना है 1211। तो गाइस, आप लोग जिसे 1211 डायल करते हैं वैसे पल्सर बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड हमारे न्यू KTM बाइक का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 1190। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को डायल पैड में डायल कर लेना है 1190। तो गाइस, आप लोग जिसे 1190 डायल करते हैं वैसे न्यू KTM बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड है कावासाकी निंजा स्टोर बाइक का चीट कोड। तो गाइस, आप लोगों को डायल पैड में आप लोगों को डायल कर लेना है 3000। तो गाइस, आप लोग जिसे 3000 डायल करते हैं वैसे कावासाकी निंजा स्टोर बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड है गोस्ट रेडर बाइक का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 4-5। तो गाइस, आप लोगों को फोन वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस आप लोगों को कॉल वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को डायल पैड में आप लोगों को डायल कर लेना है 4-5। तो गाइस, आप लोग जिसे 4-5 डायल करते वैसे हमारी गोस्ट राइडर बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड है यमा R15 बाइक का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 0015। तो गाइस, आप लोगों को फोन के डायल पैड में आप लोगों को डायल कर लेना है 0015। तो गाइस, आप लोग जैसे 0015 डायल करते वैसे आप लोगों वैसे यमा R15 बाइक स्पॉन हो जाती है। एंड गाइस, सेकंड चीट कोड हमारी बुलेट बाइक का चीट कोड, जिसका चीट कोड है 4-9। तो गाइस, आप लोगों को फोन के डायल पैड में आप लोगों को डायल करना है 4-9। तो गाइस, आप लोग जिसे 4-9 डायल करते हैं वैसे बुलेट बाइक स्पॉन हो जाती है। तो चलो गाइस, मैं अब आप लोगों को इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम के अपडेट की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। और गाइस, मैं आप लोगों को मसंग जीटी कार का चीट कोड आप लोगों को बता देता हूं। गाइस, मैं आप लोगों को सुप्रा कार और फरारी कार का चीट कोड भी आप लोगों को बता देता हूं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रा कार, मसंग जीटी कार और फरारी कार का चीट कोड क्या है, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी रोहित गेमिंग स्टूडियो सर की तरफ से नहीं आई है। तो गाइस, रोहित गेमिंग स्टूडियो सर इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D गेम का इस वाला अपडेट मारे मसंग जीटी कार और सुप्रा कार और फरारी कार का चीट कोड बताते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर सबसे पहले बता दूंगा। लेकिन गाइस, मैं आप लोगों को मसंग जीटी कार, सुप्रा कार और फरारी कार का गेस कोड आप लोगों को बता सकता हूं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि मसंग जीटी कार का चीट कोड 7-7 हो सकता है, और सुप्रा कार का चीट कोड 70-70 हो सकता है, और फरारी कार का चीट कोड 80-80 भी हो सकता है। तो चलो गाइस, मैं अब आप लोगों के इंडियन वैक्स ड्राइविंग 3D
गेम कैजुअल अपडेट मारे सुपर स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपर स्प्लेंडर बाइक का चीट कोड क्या, आज की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रॉयल गेमिंग स्टूडियो की तरफ से नहीं आई। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यू स्कूटी का चीट कोड क्या होगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यू स्कूटी का चीट कोड वही होगा जो हमारी पुराने वाले स्कूटी का चीट कोड है। तो चलो गाइस मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में क्या कार के शोरूम के अंदर क्या कार्स को भी ऐड किया जा रहा है। तो गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में कार के शोरूम के अंदर किसी भी न्यू कार को नहीं ऐड किया जा रहा, मतलब कि कार शोरूम के अंदर कार्स को नहीं ऐड किया जा रहा है। और गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारे कार के शोरूम के अंदर सीढ़ियों को भी ऐड किया गया है। और गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं हमारे कार शोरूम भी काफी बड़ा। चलो गाइस मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम में आप लोग जॉम्बी को कैसे ले पाएंगे, जॉम्बी का चीट कोड भी ऐड किया जाएगा। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में सिर्फ जॉम्बीज के मोड को ऐड किया जा रहा है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट जॉम्बी के चीट कोड को नहीं ऐड किया जा रहा है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम के आने वाले अपडेट में आप लोगों को जॉम्बी का चीट कोड भी चाहिए तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो के नीचे जॉम्बी का काफी सारा कमेंट करना। तो चलो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में क्या न्यू इंडियन ट्रक को भी ऐड किया जा रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में न्यू इंडियन ट्रक को नहीं ऐड किया जा रहा है। लेकिन गाइस अगर आप लोगों को इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम के आने वाले अपडेट में आप लोगों को न्यू इंडियन ट्रक को ऐड करवाना है तो गाइस आप लोगों को इस वीडियो के नीचे न्यू इंडियन ट्रक का काफी सारा कमेंट करना होगा, जिससे इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम के आने वाले अपडेट में न्यू इंडियन ट्रक को ऐड कर दिया जाए। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में क्या न्यू लग्जरियस हाउस को ऐड किया जा रहा है। तो हाँ गाइस इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में न्यू लग्जरियस हाउस को ऐड किया जा रहा है। गाइस रोहित गेमिंग स्टूडियो से ने यह भी बताया कि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में रहे न्यू लग्जरियस हाउस में स्विमिंग का अपडेट और काफी सारे अपडेट्स को ऐड किया जा रहा है। तो गाइस इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट काफी औसम होने वाला है, क्योंकि इंडियन मैक्स ड्राइविंग थोड़ी गेम कैजुअल अपडेट में मसंग सिटी कार को ऐड किया जा रहा है और फरारी कार को ऐड किया जा रहा है और सुप्रा कार को ऐड किया जा रहा है और सुपर स्प्लेंडर बाइक को ऐड किया जा रहा है और न्यू स्कूटी को भी ऐड किया जा रहा है और कार्ड के शोरूम को भी ऐड किया जा रहा है और जॉम्बी के मोड को भी ऐड किया जा रहा है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम का स्पार्क का अपडेट आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा, इसकी फिक्स डेट आप लोगों को बता देते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम का स्पार्क का अपडेट आप लोगों को 11 या 12 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग थोड़ी गेम का स्पार्क का अपडेट जब भी आता है मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर सबसे पहले बता दूंगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी ही, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी प्रेस कर लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।